हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू द परचम। आज हम चैप्टर 17 प्रेसिडेंट पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस कारण हम प्रेसिडेंट पे बेस्ड एमसीक्यूज को दो लेक्चर्स पे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले हम देखेंगे अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपने कमेंट करना था और बहुत सारे लोगों ने उसका सही आंसर दिया है। सो क्वेश्चन क्या था? How many times national emergency has been imposed on grounds of armed rebellion? यानि कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0, क्योंकि आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर भारत में कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाई गई। इनफैक्ट जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड था उसको किस अमेंडमेंट के थ्रू एड किया गया था? Via 44th Constitutional Amendment Act 1978 and 1978 के बाद कभी भी नेशनल इमरजेंसी भारत में लगी ही नहीं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग एलिजिबल टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी कि अगर आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम आयु, कम से कम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 40। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशंस जो है क्या होनी चाहिए फॉर बीइंग अ प्रेसिडेंट, वो क्लियरली लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 58। सो क्या क्या क्वालिफिकेशन है? पहली, मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। दूसरी, वो जो मेंबर है, जो वो इंडिविजुअल है, ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि वो लोकसभा के मेंबर बनने का लायक हो। तीसरा, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उसे किसी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। चौथा, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी आके भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसको कैसे याद रखें? उसके लिए एक नेमोनिक है जिसको बोलते हैं 35 LOC। 35 मतलब मिनिमम एज 35, एल मतलब लोकसभा के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, ओ मतलब किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, सी मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारत सरकार का प्रमुख होता है। टू, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2 ओनली, क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो इंडियन गवर्नमेंट का हेड नहीं होता, वो इंडियन स्टेट का हेड है। ठीक है, ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड एंड नॉट अ रियल एग्जीक्यूटिव हेड। जो इंडियन गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, यानी कि फिलहाल कौन है? नरेंद्र मोदी। और प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल? श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट विथ नो डाउट भारत के पहले सिटीजन होते हैं। इनफैक्ट जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है उसमें भी सबसे पहला नाम किसका आता है? हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब का ही। ठीक है, इस तरीके से हमारा खत्म होता है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, Who among the following is the only president to enjoy two terms? So, भारत में कई सारे राष्ट्रपति रहे, लेकिन केवल और केवल एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने दो टर्म एंजॉय किए ऐसा प्रेसिडेंट। सो वो राष्ट्रपति कौन थे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी के आर नारायण, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही एंजॉयड टू टर्म्स एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, पहला 1952 से 1957 के बीच जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने, और दूसरी बार 1957 से 1962 के बीच। और इनके बाद जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जो कि इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। और इन्हीं की जयंती के दिन हम टीचर्स डे भी बनाते हैं 5 सितंबर को, है ना। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसके चुनाव के रिगार्ड्स में दो स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको कंसिडर करना और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट्स इन इट, मतलब इसमें संसद का प्रत्येक सदस्य पार्टिसिपेट करता है। दूसरा, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो विधान परिषद होती है उसके केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है हमारे। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि पार्लियामेंट का हर एक मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ने, जैसे कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड रहते हैं? 12। सो वो जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं करेंगे। और लोकसभा में कितने होते हैं? 2। और 2 कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियंस। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि 2020 में एंग्लो इंडियंस वाले सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, एंड देयर इज नो मोर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इनटू द लोकसभा। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड न्यूज है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जहां तक बात है वो तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा तो ये एक स्टेट्स का एक स्टेट के और दूसरे स्टेट के बीच भेदभाव वाला सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। सो ये चीज गलत हो जाएगी। सो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इससे पहले, फिफ्थ क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। पहला, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो भी एमपीस हैं इलेक्टेड एमपीस वो पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। एंड तीसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी कि जो दिल्ली एंड पुडुचेरी है दी ओनली टू टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनमें क्या होगा कि इलेक्टेड मेंबर्स जो है वहां के वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इज कंसर्न, सो विद नो डाउट आगे चल के वहां लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी, बट एज ऑफ नाउ कुछ अभी तक नहीं हुआ है। सो हम केवल दिल्ली एंड पुदुचेरी का ही नाम लेंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि जो राष्ट्रपति है उनपे जो महाअभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, वो किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी फ्रांस। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूएसए से, ठीक है। और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के बारे में लिखा हुआ है, और किस ग्राउंड पे भारतीय राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट इट्स वर्थ टू नोट कि ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये फ्रेज कहना क्या चाहता है, इसकी मीनिंग क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, ठीक है। आर्टिकल 61 से लिया गया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और किस कंट्री से? यूएसए से। अब बढ़ते हैं अपनी सिक्स क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन, ऑर्डिनेंस प्रोमल्गेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो जो अध्यादेश निकालते हैं उसको संसद द्वारा कितने समय के अंदर अनुमोदित यानी कि अप्रूव कर देना चाहिए? ऑप्शन ए 2 वीक, ऑप्शन बी 6 वीक, ऑप्शन सी 1 मंथ, ऑप्शन डी 2 मंथ। सो इसका सही आंसर क्या है? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 वीक। और ये चीज कहाँ लिखी हुई है? वो लिखी हुई है आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड ये नोट करने वाली बात है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तभी प्रोमलगेट कर सकते हैं व्हेन ईदर ऑफ द सेशन, ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, या फिर दोनों ही सेशन में ना हो, ठीक है। इस तरीके से खत्म होता है हमारा सिक्स क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसको भारत की सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए नियम बनाने चाहिए। सेकेंड, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो सरकार है भारत सरकार उसके सभी कार्यकारी कार्य जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर किए जाते हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू।
सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को रूल्स बनाने चाहिए फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सो स्टेटमेंट वन हमारा सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, दे आर टेकन नॉट इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दे आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये चीज भी कहां लिखी हुई है, आर्टिकल 77 में। सो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए वन ओनली। ठीक है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। एट्थ क्वेश्चन, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस पे किसी तरह का शक हो, उस पे किसी तरह की शंका हो, उस पे किसी तरह का विवाद हो, तो उसकी जांच और उसके ऊपर निर्णय कौन लेगा? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी सेंट्रल कैबिनेट यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए, इन डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसको फिर आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप जाओगे ही कहां, है ना। और इनफैक्ट ये भी नोट करने वाली बात है कि जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उन पे भी अगर किसी तरह का डाउट एंड डिस्प्यूट होगा तो उसको भी कौन इंक्वायर करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही। ठीक है, सो ये दो कॉमन फैक्टर है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच, और ये आपको पता होना चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए जो संवैधानिक विधेयक होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होते हैं, उनमें सहमति देना, अप्रूवल देना अनिवार्य कर दिया था। ऑप्शन ए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, ऑप्शन बी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, ऑप्शन सी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन डी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसका मतलब क्या होता है कि 1971 से पहले प्रेसिडेंट वाज नॉट ऑब्लिगेटरी टू गिव अप्रूवल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लेकिन जब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया तो ये क्लियर कर दिया गया कि जब भी प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाएगा साइन के लिए तो उनको साइन करना पड़ेगा, वो ना तो रिजेक्ट कर सकते हैं और ना ही उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उनके बिहाफ में अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते होते हैं। सेकेंड, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल, प्रेसिडेंट जो है इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट कर सकते हैं। अब सही स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, बिल्कुल सही बात है, और स्टेटमेंट टू भी सही है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट कर सकता है फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस बिटवीन दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और ये सारी चीजें कहां लिखी हुई है, आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की ओर। 11th, चूज द करेक्ट पेयर। सो यहाँ एक साइड में आपको दिए हुए हैं कुछ आर्टिकल्स और दूसरी साइड में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अब आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल में क्या लिखा है। सो ऑन वन साइड वी हैव आर्टिकल 61, आर्टिकल 123, आर्टिकल 352, आर्टिकल 72। ऑन द अदर साइड वी हैव पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, नेशनल इमरजेंसी। सो आप क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो, मैं 10 seconds का पॉज दे रहा हूँ एंड आप सही आंसर डिसाइड कर लो। ठीक है, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 61 है वो किससे डील करता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के साथ, ये हमने अभी अभी डिस्कस भी किया था। आर्टिकल 123 डील करता है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर्स के साथ, आर्टिकल 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी के साथ, एंड आर्टिकल 72 डील करता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के साथ। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा,
वन का बी, टू का सी, थ्री का डी एंड फोर का ए। सो ऑप्शन बी हमारा सही है। ये सारे आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट बट नॉट द फोरम फॉर हिज इम्पीचमेंट। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उनके महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट में वो पार्ट नहीं लेते। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्योंकि जहां तक बात है लोकसभा और राज्यसभा की तो वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं और इम्पीचमेंट में भी। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ना तो इलेक्शन में ना तो इम्पीचमेंट में, केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऐसी होती हैं जो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करती हैं बट इम्पीचमेंट में नहीं, ठीक है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। आपको ये भी मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है, आपको करेक्ट पेयर डिसाइड करना है। ऑन वन साइड वी हैव पार्डन, कॉम्यूटेशन, रेमिशन। ऑन द अदर साइड वी हैव रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ पनिशमेंट, कंप्लीटली एब्सॉल्व्स द कन्विक्ट। इसका सही आंसर क्या है वो आपको डिसाइड करना है। मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं एंड आपको सही आंसर डिसाइड करना है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों? क्योंकि जो पार्डन होता है, पार्डन का मतलब होता है कि कंप्लीटली कन्विक्ट को एब्सॉल्व कर देना, पूरी तरीके से उसको बरी कर देना। कॉम्यूटेशन है, कॉम्यूटेशन का मतलब होता है कि जो सेंटेंस दी गई है उसको सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, उसकी जगह कुछ और सेंटेंस दे दी जाए। रेमिशन मतलब होता है कि सेंटेंस की पीरियड को कम कर दिया जाए विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। सो सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन, द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी, यानी कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होती है वो न्यायपालिका से स्वतंत्र है। टू, ओनली सिटीजन बाय बर्थ कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि केवल जो जन्म से नागरिक होते हैं भारत के, केवल वही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वन ओनली, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। हमारे देश में कोई भी सिटीजन हो, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय ब्लड, वो प्रेसिडेंट बन सकता है देश का, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। क्योंकि जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की वो इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से, वो किसी तरह की जुडिशियल पावर नहीं है। वो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि वो जुडिशियल पावर है बट इन रियलिटी वो एक एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी। 15th, इन केस द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, सो हु विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए होम मिनिस्टर, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन डी जो नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। सो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एंड सो इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 15 आपसे कितने बने वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 17 यानी प्रेसिडेंट को समवट कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चैप्टर 18 को भी कवर अप कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।